हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार ढिलोर। आज मैं आपको बताऊंगा आपको कि आईपी एड्रेस होता क्या है। आईपी एड्रेस जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस एक लॉजिकल एड्रेस होता है जो अपना नेटवर्क हम किसी भी डिवाइस को देते हैं। वो डिवाइस कुछ भी हो सकता है, राउटर, स्विच, आपका कंप्यूटर, आपका लैपटॉप, आपका सर्वर हो गया, इन सबको हम आईपी एड्रेस देते हैं। अगर आपको किसी घर जाना हो तो आपके पास उसका एड्रेस होना चाहिए। ऐसे अगर आपको अपना नेटवर्क में किसी से कम्युनिकेशन करना है या किसी को कोई डाटा शेयर करना, तो उसके लिए आपको उसके पास आपका उसका एड्रेस होना चाहिए। उस एड्रेस को हम आईपी एड्रेस बोलते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के दो वर्जन है, एक वर्जन आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6। जो आईपी वर्जन 4 है उसमें 32 बिट का होता है वो, और जो आईपी वर्जन 6 है वो 128 बिट का होता है। और आईपी की हमने 5 क्लास में डिवाइड करा आईपी को। ये आईपी एड्रेस बेसिकली 0 से 255 तक होता है, जिसे हमने 5 क्लास में डिवाइड करा है। एक क्लास ए, क्लास ए होती है 0 से 127 तक, और क्लास बी होती है 128 से 191 तक, और क्लास सी होती है 192 से 223 तक, और क्लास डी 224 से 239, और क्लास ई 240 से 255। तो आईपी एड्रेस हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं कि हमें किससे बात करनी है, किसको डाटा शेयर करना है, तो हमारा उसका एड्रेस नहीं होगा तो हमसे इस सारी चीज शेयर कैसे करेगा, तो कम्युनिकेशन कैसे करेगी। इसलिए आईपी एड्रेस जरूरी होता है। आईपी एड्रेस 32 बिट का होता है। हम इसमें वर्जन 4 के बारे में बात करेंगे तो 32 बिट का होता है। अब देखिए 32 बिट का होता कैसे है। मान लीजिए ये हमने 32 बिट ले ली, इस 32 बिट को हम 4 भाग में डिवाइड करेंगे, यानी 4 ऑक्टेट बनाएंगे 32 बिट के। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बने ऑक्टेट हो गया। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा सेकंड ऑक्टेट हो गया, हमारे ये हो गया, और एक ये 4 ऑक्टेट हो गए। अब देखते हैं कि हम इसे डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि ये तो हमारा बाइनरी में, बाइनरी के फॉर्म में 0 1 में। अब इसे डेसिमल में चेंज करेंगे, क्योंकि आईपी एड्रेस जो हमें सो होता है वो हमें डेसिमल में सो होता है। तो इसे डेसिमल में चेंज करने के लिए हम 2 की पावर पहले 0 रखेंगे, फिर 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 बिट हमारे, मान लीजिए। तो अगर 2 की पावर 0 है तो ये 1 हो जाएगा, 2 की पावर 1 है तो 2, 2 की पावर 2 है तो 4, 2 की पावर 3 है तो 8, 2 की पावर 4 है 16, ऐसे 32, 64 और 128। तो इसके हिसाब से जो मैंने 4 भाग में डिवाइड करा दिया, 8 8 बिट करी थी, उसी तरह से ये हमारी 8 बिट मान लीजिए, है ना। तो इसे इस साइड से स्टार्ट करते हैं। अब तो ये फर्स्ट बिट, सेकंड, तो पहली बिट हमारी 128, ये 128 हो गया। दूसरी हमारी 64 है, बराबर लिख देता हूँ, 128। दूसरी हमारी 64 है, 64 इसे प्लस कर देंगे क्योंकि यहाँ तक भी उसका 0 0 है, तो इसे कर देंगे 192। उसके बाद फर्स्ट बिट हमारी 128 है, इस वाले को लेते हैं। सेकंड हमारे कुछ नहीं है, 0 है, तो इसका थर्ड पे 32 है, प्लस 32, इसका भी ये 0 है, फिर ये 8, इसे प्लस कर दे 168। इसमें देखते हैं, यहाँ पे 7 तक तो 0, 8वें पे आएंगे, 8वें की कितना नंबर है, 1। ऐसे दूसरे में चेक करते हैं तो दूसरे में भी 1 है, तो पॉइंट लगा के यहाँ पे 1 है, क्योंकि जो हमारा आईपी एड्रेस होता है
वो पॉइंट पे लिखा होता है, आपने देखा भी होगा। तो ये हमारा आईपी एड्रेस निकला, ये डेसिमल में चेंज करने पर इन 32 बिट का 192.168.1.1 जो हमारी एंड की बिट है, ये क्लास सी का आईपी एड्रेस होगा, क्योंकि आपने क्लास सी देखी थी वो 192 से 223 तक थी, ये हमारे क्लास सी का आईपी एड्रेस है। इसमें देखिए जो हमारी एंड की बिट है, ये हमारी नेटवर्क होस्ट, ये नेटवर्क बिट है, इसके आगे जो बढ़ेगा वो होस्ट होता जाएगा। ये नेटवर्क और होस्ट मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। अगली वीडियो में मैं आपको आईपी की क्लासेस के बारे में और डिटेल में बता दूंगा, और उसके साथ ही आपको पब्लिक आईपी और पब्लिक आईपी और कौन सा आईपी होता है प्राइवेट आईपी के बारे में आपको बता दूंगा, ठीक है। पब्लिक आईपी प्राइवेट आईपी के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, और साथ में बाकी चीज़ें बता दूंगा आईपी एड्रेस की। तो थैंक यू फॉर माय वीडियो वॉचिंग, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।